अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? ठीक ठाक होंगे व्यूअरों, क्या हाल है? अच्छा, आज ये कहते होंगे कि आराम से बैठ के ये वीडियो बना रहा है, तो सामने पीछे एक टूटा हुआ सोलर खड़ा है जिसके पीछे मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पैगाम ही समझ लो। और इसके बाद जो आप लोग, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये रात वाला सोलर आया है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको पूरी आगाही करूँगा कि रात वाला सोलर कैसे काम करता है और किस तरह आया है, नहीं आया। तो ये सामने सोलर खड़ा है, पीछे टूटा हुआ, तो ये करंट जो है ना बहुत ही कम देता है। तो उसके बाद जो अगर रात वाला कहते हैं, तो रात वाला अंधेरे में हम खुद नज़र नहीं आता, तो वो रात में कैसे काम करेगा? तो वो भी सोलर आपको दिखाता हूँ सामने, जो खड़ा है रात वाला काम करता है। और उसके बाद जो है ना दिन वाला तो चल ही रहा है, सूरज के साथ रोशनी है, उसके साथ ये चल रहा है। तो रात वाला जो है ना वो हम आपको बताते हैं कि रात वाला सोलर कैसे काम करता है और ये क्या है, क्या चीज़ करता है, इसके साथ कैसे करंट लिया जाता है। सब तो पहले पहले मैं हूँ मोहम्मद हुसैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाजी सोलर सिस्टम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं कि नई तो नई वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, ये सामने शीशा खड़ा है, पीछे ये टूटा हुआ शीशा है, तो जब ये काम नहीं करता तो रात वाला सोलर कैसे काम करेगा? जब अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता तो सोलर को कैसे नज़र आएगा कि वो आपको आगे करंट देगा? तो काफ़ी अफवाहें यूट्यूब फेसबुक पेजों पे और टिकटॉक पे जो है ना ये वीडियो फैली हुई है कि रात वाला सोलर आ गया तो ये करंट बना रहा है, ये कर रहा है, इतने वाट बना रहा है, ये 300 वाट का है और 400 वाट का है और 200 वाट का है और 100 वाट का है। तो रात वाला जो सोलर आपको दिखा रहे हैं वो सोलर गीजर है, उसमें पानी गर्म किया जाता है सोलर के साथ। तो ये लोग काफ़ी ऐसे कह रहे हैं कि रात वाला सोलर आ गया, रात वाला सोलर आ गया। कोई रात वाला सोलर नहीं आया, लेकिन रात को हमें खुद को नज़र नहीं आता तो वो सोलर कैसे देखेगा, करंट कैसे पैदा करेगा और उसको कैसे हीट मिलेगी तो वो करंट आगे देगा? ठीक है ना, आप खुद समझदार लोग हैं, समझ जाया करें कि काफ़ी लोगों की कॉलें आती हैं कि यार रात वाला सोलर आ गया, उसका रेट क्या है, कहाँ मिलेगा। काफ़ी लोग ऐसे लिखा हुआ है कि यार ये फलानी जगह पे मिलेगा, फलानी जगह पे मिलेगा, या अभी पाकिस्तान में नहीं आया। नहीं, पाकिस्तान में वो सोलर है, बिल्कुल है, पिंडी में मिलेगा आपको, वो होगा गीज़र सोलर। ये सब उसी की बातें चल रही हैं, तो लिहाजा इंशाल्लाह जब भी सोलर आएगा तो वो बात बनेगी। अभी तो कोई रात वाला सोलर नहीं आया, ना उसका कुछ चांस है, तो वो किस से वो लेगा वो करंट? और वो सितारों से लेगा, चांद से लेगा? चांद तो 15 दिन होता है, 15 दिन के बाद नहीं होता। सितारे तो हमें भी कम नज़र आते हैं, तो उनको कैसे नज़र आएंगे, वो उनसे कैसे रोशनी लेगा और आगे आपको 12 वोल्ट करंट बना के देगा या 24 वोल्ट करंट बना के देगा? तो खुजारा ये सामने दिन वाला खड़ा है, बिल्कुल इसको सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये काम करना शुरू कर देता है, नहीं तो नहीं करता। ये सामने आप देख रहे होंगे पीछे मेरे जो खड़ा है, तो ये दिन को ही काम करता है, कोई रात वाला सोलर नहीं आया। ऐसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जब खुद को जो है ना नज़र रात को नहीं आता तो सोलर को कैसे नज़र आएगा? तो वाइब सेट कोई भी पे चले जाएं तो वहाँ गीज़र सोलर लिखें तो सब यही सोलर आ जाएगा, गीज़र सोलर नज़र आएगा सब लोगों को। गूगल पे जाके लिखें और गीज़र सोलर लिखेंगे तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा कि ये गीज़र सोलर है। तो लोग जो है ना इसको रात वाला सोलर बना रहे हैं, कोई रात वाला सोलर नहीं है। ये मैं खुद आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे जो है ना सर्च मार ले और गीजर सोलर लिख लें, गूगल पे भी लिख लें, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये गीजर सोलर है, इसे पानी गर्म किया जाता है सर्दियों में, अंदर रूम के अंदर जो है ना थोड़ा सा ये वो गर्म करता है उसको। ये सोलर के साथ इंस्टॉलिंग होती है, ये सोलर भी लगा हुआ होता है, ये भी होता है, तो ये गीजर सोलर इसको कहते हैं। बराए मेहरबानी सब लोगों को दरख्वास्त है कि आप गूगल पे भी सर्च मार लें, गीज़र सोलर लिखा हुआ आएगा, उसके नाम का ये सोलर है। तो काफ़ी लोग जो है ना फेक वीडियो बना रहे हैं, उन पे ना जाएं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें इंशाल्लाह।